दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आज एक छोटे से ट्रिक के साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया और इन राजवंशों का क्रम क्या है, किस राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, इसको आज हम लोग देखने वाले एक छोटे से ट्रिक के साथ। और ये ट्रिक पहले भी आपने कई बार हो सकता है सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद होने वाला है ये ट्रिक, चूँकि ये बहुत पॉपुलर ट्रिक है। तो गुलाम राजवंशों पर आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने 5 राजवंशों ने, 5 राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया। और इन 5 राजवंशों में से किस राजवंश ने सबसे पहले, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने, इन 5ों का क्रम हम लोग देखते हैं और कब से कब तक यह भी हम लोग देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखिएगा ट्रिक, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। किसको लूटा, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा, यानी गुल खिलाया, कैसा गुल खिलाया, किसी भी प्रकार का गुल खिलाया और किसी के सैया को लूट लिया। तो सैया को लूटने के लिए गुल खिलाया जाता है, तो याद रखिएगा गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। अब गुल मतलब क्या होता है, गुल मतलब गुलाम वंश, गुल मतलब गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक इस राजवंश का शासन रहा था। इसके बाद देखिएगा दूसरा राजवंश कौन सा है, तो दूसरा खिल मतलब खिलजी वंश। कौन सा, खिल मतलब खिलाकर मतलब खिलजी वंश। और खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1290 में गुलाम वंश का शासन समाप्त हुआ, 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक ये किसका, खिलजी राजवंश का शासनकाल रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा शासनकाल, कौन सा राजवंश आता है, तो पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश। तीसरा कौन सा है, तुगलक वंश। और तुगलक राजवंश के बारे में याद रखिएगा कि तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक यानी सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा, तो तुगलक राजवंश है। इसने 1320 से 1414 तक यानी कि लगभग कितना दिन आप देख पा रहे हैं, लगभग आपका 94 वर्षों तक तुगलक राजवंश के लोगों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। चौथा राजवंश कौन सा है, तो चौथा सैया मतलब सैयद राजवंश। कौन सा, सैयद मतलब, सैया मतलब सैयद राजवंश। और इसका शासनकाल बहुत कम ही समय तक रहा है, 1414 से 1451 तक इसका राजवंश रहा है। यहाँ को का कोई मतलब नहीं है। लूटा का मतलब क्या है, लोदी वंश, लूटा का मतलब लोदी वंश। और लोदी वंश के ही शासक इब्राहिम लोदी के समय में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और आपको पता होगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने क्या किया, भारत में मुगल राजवंश की नींव रखी थी। यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन सा था, तो लोदी वंश था। कौन सा, लोदी वंश। और लोदी वंश का शासनकाल कब से, तो 1451 से 1526 तक। और यही मैंने आपको कहा कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने किसको हराया, आपके लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। यानी फिर से मैं एक बार क्विकली बोलता हूँ, दिल्ली सल्तनत पर बारी बारी से 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसको याद रखने का ट्रिक क्या है, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा, गुल मतलब गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलाकर मतलब खिलजी वंश 1290 से 1320, तूने मतलब तुगलक वंश तुगलक वंश का 1320 से 1414, और सैया मतलब सैयद वंश 1414 से 1451, और लूटा मतलब लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इन्होंने बारी बारी से, इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश गुलाम राजवंश, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और अंतिम राजवंश कौन रहा, तो अंतिम राजवंश लोदी वंश रहा। अंतिम राजवंश कौन सा, लोदी वंश हुआ। सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किसने किया, तो तुगलक वंश ने। इसके बारे में मैंने क्या बताया आपको, सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक राजवंश रहा। तो ये दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा ट्रिक मैं लेकर के आप सबों के समक्ष आज उपस्थित हुआ था। ऐसे ही ढेर सारे अनगिनत छोटे छोटे ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे और जीएस की
समझ को बेहद आसान करेंगे, जीएस को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग याद रख लेंगे और जीएस को पानी की तरह कर देंगे, यानी कि जीएस पानी पानी हो जाएगा। बस आप हमारे साथ केवल जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। जय हिंद, धन्यवाद।